हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कोलकाता सिटी एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों आज से एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि लिथियम आयरन बैटरी को ओकिनावा स्कूटी में इंस्टॉल करना। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो अच्छा है, आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। तो वीडियो में मैंने बताया था कि उसका स्पीड कितना है, उसका माइलेज कितना है, उसका चार्जिंग टाइम कितना होता है लिथियम आयरन बैटरी को इंस्टॉल करने के बाद। उसके बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगा। वो वीडियो मैंने आज से एक महीना पहले अपलोड किया, अभी मैं एक महीना बाद ये वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ, या आप वीडियो देखोगे, वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो स्कूटी में लिथियम आयरन बैटरी इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या दिक्कत आया वो भी मैं वीडियो के अंदर ही आपको बता दूंगा। तो अभी आ जाते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो मुझे बनाने में काफी मेहनत लगा है, सुबह नींद से उठना पड़ा है, फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी जला के बैटरी चार्ज करना पड़ा है, उसके बाद बीच रास्ते में मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटी बंद पड़ गया था, फिर मुझे पैदल 3 किलोमीटर गाड़ी को धक्का दे के लेके आना पड़ा है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो कि मुझे मोटिव मिले। अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता, मुझे पता नहीं लगता मेरा काम कैसा हो रहा है। तो आप लोग के लाइक और कमेंट की वजह से मुझे काम करने का मोटिव मिलता है। तो इसलिए चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो स्विच ऑन है और मेरा बैटरी फुल चार्जिंग है, और टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:22 और 12 जून 2019। तो और एक बार मैं टाइमिंग आपको दिखा देता हूँ। तो फुल बैटरी चार्जिंग है, बाहर मेरा गाड़ी है, मैं गाड़ी एक बार चालू करके आपको दिखा देता हूँ कितना माइलेज मैंने चलाया है। तो 16,142 किलोमीटर अभी तक मैंने गाड़ी को चला लिया है। तो अभी मैं गाड़ी को निकाल के बाहर मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो 16,142 किलोमीटर मैंने चला लिया है। एक बार आप गाड़ी को देख लो, मेरा वही गाड़ी है ओकिनावा RS30। अभी मैं आपको थोड़ा सा बैटरी भी दिखा देता हूँ इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर लिथियम आयरन बैटरी लगा हुआ है। इसके नीचे भी दिखा देता हूँ, एक डब्बे के अंदर मैंने लिथियम आयरन बैटरी को सेट करके रखा है क्योंकि इसमें पानी ना लगे, इसलिए मैंने ये सेफ्टी के लिए एक डब्बे के अंदर लिथियम आयरन बैटरी को रखा है। तो मैं नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग गाड़ी चलाना शुरू करेंगे 16,142 किलोमीटर। तो मैं आज इसको 70+ किलोमीटर चलाने वाला हूँ। अब टाइम देख लो आप, 6:30 हो रहा है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो 147 किलोमीटर मैंने चला लिया गाड़ी को, और सामने एक फ्लाईओवर है, मैं उस पर चढ़ने वाला हूँ। तो फ्लाईओवर में चढ़ने के टाइम मेरा स्पीड कितना होता है स्कूटी का वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। तो फ्लाईओवर में चढ़ने के टाइम इसका स्पीड 35 से लेके 34 के बीच में होता है। तो अभी 34 में मैं फ्लाईओवर पे चढ़ रहा हूँ, 33 हो गया, 32 हो गया। जितना मैं फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते जाता हूँ इसका स्पीड धीरे धीरे कम होता है। अभी मैं सेंटर में हूँ इसलिए 33-34 का स्पीड दिखा रहा है। तो फ्लाईओवर के सेंटर में आ गया मैं, और अभी नीचे की तरफ जाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने टोटल 5 फ्लाईओवर को क्रॉस किया है। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 161 किलोमीटर चला लिया है मैंने। अभी सामने एक फ्लाईओवर दिख रहा होगा आप सबको, इसमें मैं चढ़ने वाला हूँ, थोड़ा स्पीड में बढ़ाऊँगा। तो अभी 38 पे हूँ, मैं इसको 40 में कर दिया है, स्पीड 40 है। अभी चढ़ने के टाइम इसका 39 हो जाता है, 38, धीरे धीरे स्पीड कम होता जाता है। मैं जितना ऊपर चढ़ूँगा उतना इसके स्पीड कम होगा। अभी देख सकते हो आप, दो बैटरी भी दिखा रहा है, दो बैटरी 36 का स्पीड। अभी मैं आपको सेंटर भी दिखा देता हूँ।
तो अभी मैं टॉप पे हूँ, आप नीचे सेंटर देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि आपको ये वीडियो मैं इतना लेट क्यों दे रहा हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, मैंने लिथियम आयरन बैटरी अब इंस्टॉल किया था अपना भाई स्कूटी में, तो ये 4 मई को, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आज है 12 जून। मैं एक महीना बाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं 1000 किलोमीटर स्कूटी का चला लूँ और एक महीना स्कूटी को खुद चला लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि स्कूटी कैसा चल रहा है, आपको कैसे चलाना चाहिए, उसका सच में माइलेज कितना है, उसका स्पीड कितना दे रहा है। क्योंकि मैं चाहता तो 1-2 दिन में वीडियो बना के आपको देख सकता था, 1 हफ्ते में वीडियो बना के दे सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि रियल जो है वो आपको पता चले। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जब मेरी स्कूटी में लीड एसिड बैटरी था, तो उसमें मैंने दिखाया था कि आपको एक बार चार्जिंग देने में लीड एसिड बैटरी कितनों किलोमीटर माइलेज जाता है। और मैंने लास्ट जब उसको बनाया था तो 57 किलोमीटर तक मैंने उसको चलाया था। उसके 2 दिन बाद मैंने लीड एसिड बैटरी को निकाल के लिथियम आयरन बैटरी को इंस्टॉल किया, तो तभी मेरा जब उसका माइलेज मैंने दिखा था कुछ 15,057 और मैंने 50 किलोमीटर चलाया था, तो आप सोच लो 15,100 किलोमीटर। उसके बाद मैं अभी आपको जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 16,142 किलोमीटर के बाद बना रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव ये था कि पहले मैं इसको 1000 किलोमीटर चलाऊं और एक महीना चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो अभी मैं बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस क्या है। एक बार जब मैंने लिथियम आयरन बैटरी को इसको इंस्टॉल किया, फिर 2-3 दिन चलाने के बाद एक बार मैं फ्लाई ओवर से नीचे की तरफ उतर रहा था और इसका स्पीड कुछ 55 से लेकर 60 तक पहुंच गया और मैंने भी इसको रोका नहीं और ऐसे 60 तक पहुंचते गाड़ी फ्लाई ओवर के नीचे आ गया। और जब मैंने फिर से इसको पिकअप दिया तो पिकअप लिया नहीं, तो मुझे फिर सर्विस सेंटर पे लेके जाना पड़ा और उन्होंने देखा जब मोटर पे तो उन्होंने बोला सेंसर ख़राब हो गया है, तो उसको ठीक करने में मुझे 1500 का खर्चा आया है। तो दोस्तों मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आपके पास अगर लेते हो आप 60 वोल्ट 24 एम्पियर का बैटरी, तो ध्यान रखना है कि स्पीड ज़्यादा 40 के ऊपर ना जाए। मैं इसलिए इस वीडियो में 35 से लेके 42 स्पीड तक की स्कूटी को चलाया है, इससे ज़्यादा अगर लूँगा तो सर्विस मैन ने बोला है कि फिर से ख़राब हो सकता है सेंसर, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड में इस गाड़ी को अभी नहीं चलाता हूँ। तो मैं अभी 35 से लेके 42 की स्पीड पे ही चलाया है इस गाड़ी को, आप वीडियो में भी देख सकते हो। और कुछ ज़्यादा दिक्कत आया नहीं मुझे। अभी मैं लीड एसिड बैटरी को निकाल के लिथियम आयरन बैटरी लगाने के बाद एक फ़ायदा हुआ है, मेरा गाड़ी थोड़ा सा हल्का हो गया है। पहले गाड़ी का वेट जो था उससे गाड़ी का वेट अभी कम हो गया है, ये मेरा फ़ायदा हुआ है। तो आप अगर सोच रहे हो लीड एसिड बैटरी को निकाल के लिथियम आयरन बैटरी को लगाना, तो आप लगा सकते हो। तो लिथियम आयरन बैटरी आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम सर्विस भी देगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी मैंने 190 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है, अभी मैं इसको और 20 किलोमीटर चलाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी 200 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, अभी मैं इसको और 10 किलोमीटर चलाऊंगा तो ये 70 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने में ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है मुझे, सुबह मुझे नींद से उठना पड़ा, उसके बाद मुझे इस गाड़ी को चलाने में करीब करीब 3 घंटे का टाइम लगा है और इसका जो बैटरी ख़त्म हो गया बीच रास्ते में वो आप लास्ट में देख पाओगे। उसके बाद मुझे 3 किलोमीटर गाड़ी को धक्का दे के लेके जाना पड़ा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही होता है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का मोटिव मिलता है।
ये आप लोगों के सपोर्ट बस चाहिए मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो 16,210 किलोमीटर मैंने चला लिया है, तो 70 किलोमीटर से 2 किलोमीटर कम है। अभी मैं और 2 किलोमीटर चलाने वाला हूँ इसको। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने चला लिया है 16,214। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।